इसके बारे में शेयर करने के लिए बताया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं या डकैती ये सब होती रहती हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, तो इसमें लगभग सभी थाना पुलिस के लोग लगे रहते हैं। इसमें एक अच्छी सफलता जो पटेल नगर पुलिस है उसको मिली है, कि जो पटेल नगर प्रभारी और उनकी टीम इसमें नवीन जोशी का इसमें अच्छा समय काम रहा है, और जो सीओएसपी सिटी का इसमें इसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और जिनके कब्जे से कुल 12 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये दोनों जनपद भोपाल के रहने वाले हैं, कुर्की के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी होती रहती हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में, और पुलिस भी लगातार इनके पकड़ने के लिए प्रयासरत रहती है, तो इस प्रयासों की कड़ी में एक सफलता आज पटेल नगर पुलिस को हासिल हुई है। यद्यपि इसमें अन्य थाना पुलिस जैसे कोतवाली पुलिस वगैरह भी लगी हुई थी, लेकिन जो क्रैक अल्टीमेटली हो पाया वो पटेल नगर पुलिस से हो पाया, और इसमें दो व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें से 5 मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिनकी चोरी जनपद देहरादून से ही हुई थी, और 7 अन्य जनपदों से, विशेष रूप से हरिद्वार जनपदों से चोरी की गई हैं। ये जो बाइक चोर थे ये आम तौर पर स्प्लेंडर जो मोटरसाइकिलें हैं इनको चुराया करते थे, क्योंकि इसका जो सिक्योरिटी डिवाइस होता है वो सबसे इजी टू क्रैक होता है और किसी भी मास्टर की से या किसी भी डुप्लीकेट चाबी से आसानी से खुल जाता है। तो इस सफलता के लिए पटेल नगर पुलिस को मेरे द्वारा 2500 रुपये इनाम की घोषणा की।